नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। और आज हम 11 जनवरी 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पेज पे कुछ काम की खबर है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार हेडलाइंस देख सकते हैं कि भागवत एससी कॉलेजियम ने ये करा है, बट इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी काम का नहीं है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो एग्ज़ाम के मतलब की चीज़ें बस वही दिखाएं जो आपको पेपर में पूछा जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे मैं बनाने के लिए तो मैंने 1 घंटे की वीडियो बना दूँ, बहुत लोग बनाते भी हैं, यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएंगे ऐसी वीडियोस। फिर दिल्ली में भी कुछ काम की खबर है नहीं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में एक ये खबर थोड़ा काम का मुझे लगा कि DAC अप्रूव्स DRDO मिसाइल सिस्टम वर्थ 4,276 करोड़। DAC का मतलब होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। जो भी इंडियन डिफेंस फोर्सेज की मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर वेपन्स वगैरह खरीदने होते हैं, उसका अप्रूवल DAC देता है। और राजनाथ सिंह मतलब डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। तो DRDO से ये मिसाइल्स खरीदी गई है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है VSHORAD, विश्रॉड या जो भी आप इसे पढ़ें, VSHORAD। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है। मिसाइल सिस्टम विच इज़ बीइंग डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो DRDO जो है इसको बनाती है, जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और एक और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जैसे कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हेलिना एग्जाम में पूछ सकता है कि हेलिना क्या है, HELINA, हेलिना क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसको भी खरीदा जाएगा। और ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि अभी रिसेंटली इंडिया ने बनाया है, उसमें यूज़ होंगे। और भी बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट थे, VSHORAD और हेलिना। तो ये ख़रीदा जाएगा। तो इंडिया जो है आत्मनिर्भर डिफेंस के फील्ड में बनना चाहता है, तो उसमें एक मेजर स्टेप है कि हम DRDO से ख़रीद रहे हैं। इसके पहले 2018 में प्लान ये था कि रशिया से हम लगभग $1.5 बिलियन की डील करने वाले थे, बट वो डील नहीं कर रहे हैं, हम खुद से ही DRDO से ही ख़रीद रहे हैं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके बाद और इसमें कुछ काम की खबर नहीं है, आते हैं हम नीचे। तो एक ये जो है खबर है, मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है, लेकिन आपको जो है इसमें ई रूपी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ई रूपी। अब एक फ्रूट वेंडर थे, वो मुंबई में RBI ऑफिस के बाहर करते थे, मतलब अपना फल वगैरह बेचते थे। तो RBI ने पायलट प्रोजेक्ट एक करा है, उसमें जो है इनको भी इन्वॉल्व करा है। तो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ई रूपी से रिलेटेड है। तो ई रूपी क्या है आपको पता होना चाहिए। ई रूपी इज़ अ डिजिटल टोकन दैट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ ए बैंक नोट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ई रूपी बेसिकली है, जैसे बैंक नोट होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है, तो ई रूपी डिजिटल फॉर्म में होगा, वो भी रुपया ही रहेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक RBI है उसकी डिजिटल करेंसी है ई रूपी। और अब आप सोच रहे होंगे कि UPI तो ऑलरेडी मौजूद था, वो भी हम डिजिटली ही करते हैं, लेकिन UPI जो है उसके इक्विवेलेंट बैंक नोट होता है। लेकिन जो ई रूपी होगा दोस्तों, ई रूपी के इक्विवेलेंट कोई बैंक नोट नहीं है, अपने आप में ही एक रुपया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपको UPI अगर यूज़ करना है तो आपको खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, सामने वाले के पास भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर ई रूपी आप यूज़ कर रहे हैं तो कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैश से लेन देन में क्या आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो जब कैश से लेन देन में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेम इसी तरह ई रूपी यूज़ होगा कि आप सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बीच में बैंक का कोई मेडिएशन नहीं रहेगा, सीधा ट्रांसफ़र होगा। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट RBI रन कर रही है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और भुवनेश्वर में। तो कितना सक्सेसफुल होगा, फिर प्रॉपर लॉन्च करा जाएगा इसको, तो उसके लिए इनको सेलेक्ट करा गया है। तो आपको ई रूपी पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद एडिटोरियल पेज पे इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। और यहाँ पे दो एडिटोरियल हैं, एक इंडिया द ब्रिज। ये एडिटोरियल अच्छा है, लेकिन ये अगर आपका जो है ऑप्शनल किसी का पॉलिटिकल साइंस PSIR हो तो उसके लिए ये पढ़ने की ज़रूरत है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं वैसे एक दूसरा वीडियो बना के इसको डिस्कशन करूँगा उस वीडियो में, तो यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये GS के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद द फ्यूचर इज़ इंटरनेशनल, ये जो है M जगदीश कुमार जी हैं, UGC के चेयरमैन हैं। इन्होंने जो इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को के लिए पॉलिसीज़ बनी हैं और उन्हें अप्लाई मतलब वहाँ इंडिया में कैंपस सेट करने के लिए करा जा रहा है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। हमने अभी परसों जो है पढ़ा था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको करने में, जो प्रताप भानु मेहता जी का आर्टिकल था।
तो इसमें इन्होंने पॉजिटिव साइड्स लिखी हैं, ज़्यादा कुछ नया ऐसा नहीं लिखा है, जो पॉलिसी में है वो उसी चीज़ों को इन्होंने लिखा है। तो देख लेते हैं कि करके क्या पॉइंट्स हैं। एस्टेब्लिशिंग फॉरेन कैंपस विल प्रोवाइड वाइडर एजुकेशनल चॉइस, एक्सपोजर टू इनोवेटिव पेडागॉजी अप्रोच एंड अ पोटेंशियल फॉर कोलेबोरेशन विद वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। तो फॉरेन कैंपस अगर होगा तो हमें इनोवेटिव पेडागॉजी मिलेगी, ठीक है, कोलेबोरेशन का पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अच्छा कोलेबोरेशन वगैरह कर सकें, एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को। और इन्होंने बोला कि केवल 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को ही अप्रूवल मिलेगा, तो इसके लिए क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंपसेज ऑफ फॉरेन HEIs हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एज स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड विल फाइंड द हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया अपीलिंग। तो बोला कि केवल इन जो फॉरेन इंस्टीट्यूट यहाँ कैंपस सेट करेंगे तो केवल इंडिया के बच्चे नहीं बल्कि जो ग्लोबल साउथ मतलब जो और डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के बच्चे हैं वहाँ वो भी इंडिया में आके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी रहेगी। ड्राफ्ट रेगुलेशन में और क्या है, वायबल ऑप्शन टू द 4 लाख सो कॉल्ड इंडियन स्टूडेंट्स हु हैड ओवरसीज। और इन्होंने बताया बेसिकली कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशन में ये प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो इंडिया से लगभग 4 लाख लोग हर साल बच्चे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनके पास भी एक वायबल ऑप्शन होगा कि वो इंडिया में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकेंगे। तो बहुत बच्चे नहीं भी जाएंगे लेकिन हो सकता है कुछ रुक जाएं, कुछ जो है यहाँ पे भी पढ़ लें, उनको कोई कंस्ट्रेंट हो, उनको इंडिया में ही अगर काम हो जाए तो ना जाएं, हो सकता है बाहर। या फ्यू रिप्रेजेंटेटिव अब जो है कैसे ये जो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो अपना कंपनी जो है सेटअप करेंगी वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू करेंगी। तो कुछ तरीके हैं जिसकी तरह जिसको मतलब वो करके कर सकती हैं सेट मतलब इम्प्लीमेंट करके, जैसे कि पहला तरीका ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत वो जो है एक कंपनी इस्टेब्लिश कर दें और फिर जो उनका जो है कैंपस होगा वो कंपनी मैनेज करेगी, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि किसी इंडियन एग्जिस्टिंग एंटिटी के साथ कोलेबोरेशन कर लें, ठीक है, एज अ ब्रांच और ऑफिस। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली कंडक्टेड स्टडी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टडी करी थी। उस स्टडी में क्या हुआ कि रिपोर्ट में बताया गया कि सेवरल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग इन टॉप 200 हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट इन कंसिडरिंग इंडिया एज ए डेस्टिनेशन। तो इस ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ऐसा रिसर्च में आया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में इंटरेस्टेड हैं। देयरफॉर देयर इज़ एविडेंस फॉर द नीड ऑफ FHEI मतलब फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैंपसेस इन इंडिया एटलीस्ट इन 2 aspects, ठीक है, 2 aspects में नीड है। पहला क्या है, सच कैंपस विल फॉस्टर हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस टू बेटर देयर स्टैंडर्ड एंड एस्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन हेल्दी होगा तो इंडिया की जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी अच्छा अपने आप को इनोवेट करेंगी। दूसरा क्या है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस हैव मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग डेवलपिंग स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज एंड प्रमोटिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस वाला टैग था जिसमें मतलब जो टॉप IITs और IIMs वगैरह हैं हैव मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग वगैरह में ऑलरेडी कंसिडरेबल प्रोग्रेस मिली है, हो गया है, और इनके आने से हायर जो ये बाहर के आ रहे हैं इनसे जो है आने से और प्रोग्रेस होगा। और तो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है ये लोग जो है पार्टनरशिप भी कर सकते हैं फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और ताकि एकदम कोलेबोरेशन करके एकदम बढ़िया कटिंग एड जो है डिग्री वगैरह मिले और बच्चों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्किल वगैरह हो। लास्ट में, द UGC रिफॉर्म शुड नॉट बी रीड इन सिलोज, रेदर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इनेबलिंग प्रोविजंस मस्ट बी सीन एज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो UGC वगैरह रिफॉर्म जो कर रही है उसको एक रिफॉर्म को एक ही तरह से मत देखिए, आप सब कोलैबोरेटिव में देखिए कि क्या क्या रिफॉर्म कर रही है। जैसे और रिफॉर्म्स हैं कि जॉइंट डिग्री का, ड्यूअल डिग्री का, ये सब आपको पता होगा कि दो एक साथ दो डिग्री आप ले सकते हैं, जॉइंट डिग्री हो सकती है, इन सबको सब में आपस को में जब एक मर्ज करके मिला दिया जाएगा तो एक बहुत वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में। उसके बाद इफ जापान को न्यूक्लियर हुए, जापान की बात है, इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चाइना को रख के जापान ने बनाई है अपनी, उसमें कुछ काम का नहीं है। और इसके बाद आज के न्यूज़पेपर में और एक्सप्लेन्ड वेज पे आ जाते हैं।
ओजोन होल फिलिंग अप नाउ, इसको जो है हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे, ओजोन होल और इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी और ठीक हो रहा है ये, इसके बारे में इसमें बात करी गई है। उसके बाद और तो कुछ नहीं है इसमें। स्पोर्ट्स आ गया, वर्ल्ड न्यूज़ में भी कुछ भी काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी कुछ काम का नहीं है, इकोनॉमी में भी कुछ भी काम का नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।